तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि हमने अपने वेबसाइट के अंदर FAQ सेक्शन क्यों बनाना है और वो क्यों जरूरी होता है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि FAQ सेक्शन कैसा होता है, ठीक है, और उसको अपनी वेबसाइट में किस तरह यूज़ करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपनी वेबसाइट में आ जाएंगे। वेबसाइट में आने के लिए मैंने जैसे आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया कि हमने अपनी किस तरह फ्री होस्टिंग और डोमेन लेनी है, तो यहाँ पर मैंने फ्री होस्टिंग और डोमेन ले लिया और हम अपनी वेबसाइट में आ गए हैं। तो अगर आपको ना पता चले कि फ्री होस्टिंग और डोमेन कैसे लेनी है, तो यहाँ पर आई बटन में आपके पास वीडियो आ जाएगी, आप उस वीडियो पे जाके फ्री होस्टिंग और डोमेन ले सकते हैं, ठीक है। और इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर आ चुके हैं अपने डैशबोर्ड में, ये हमारी वेबसाइट है, हमने थीम भी इंस्टॉल कर ली है। तो यहाँ पर हमने FAQ का सेक्शन क्रिएट करना है। FAQ का सेक्शन क्रिएट करने के लिए आपने जाना है यहाँ पर सबसे पहले प्लगइन्स में। प्लगइन्स में जाने के बाद आपने जो प्लगइन सर्च करना है वो कौन सा प्लगइन है, यहाँ पर आ जाना है आपने ऐड न्यू प्लगइन्स पे, ठीक है। ऐड न्यू प्लगइन पे आने के बाद यहाँ पर आपने सर्च करना है, ठीक है, आपने ये सर्च कर लेना है रिस्पॉन्सिव अकॉर्डियन एंड कोलैप्स। तो आपने इसके स्पेलिंग देख लेने हैं, यहाँ से आपने प्लगइन को सर्च कर लेना है, तो आपके सामने ये प्लगइन सामने आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, इसको जस्ट इंस्टॉल नाउ कर लेना है। जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे, तो जब इंस्टॉल हो जाएगा तो इसको हम क्या कर लेंगे, एक्टिवेट। तो हम इसको एक्टिव करेंगे, एक्टिव करने के बाद ये आपको कहां पर शो हो जाएगा, ये आपको डैशबोर्ड में इस जगह पर शो हो जाएगा, ये आपको नजर आ रहा है ना अकॉर्डियन। तो हम यहां पर चले जाएंगे, यहां पर जाने के बाद ये चीज हमारे सामने स्क्रीन पर जो आ जाएगी वो, ठीक है। जब आप अकॉर्डियन फेक सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ये आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड न्यू अकॉर्डियन करेंगे। तो हमने अपने न्यू अकॉर्डियन सेव करने हैं। अकॉर्डियन का क्या मतलब है कि इसके अंदर FAQ सेक्शन के अंदर हमारे पास क्वेश्चन आंसर होंगे जो कि हमने यहाँ पर पुट करने हैं। तो वो हम कैसे पुट करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा, वो कह रहा है कि आप इसका टाइटल क्रिएट कर लो। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ FAQ, ठीक है, ये FAQ सेक्शन आपका क्रिएट हो गया। यहाँ पर ये दिखा रहा है कि आपने यहाँ पर क्वेश्चन आंसर लिखना है। तो हम यहाँ पर सैंपल के मैं आपको क्वेश्चन आंसर 2-3 लिख के दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको खोला हुआ है। यहाँ पर से हम इस क्वेश्चन को सेव कर लेते हैं, क्वेश्चन को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, और इसकी डिस्क्रिप्शन जो है हम यहाँ से ये पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, ये सैंपल के तौर पे। आपने अपनी वेबसाइट के मुताबिक यहाँ पर क्वेश्चन आंसर देने हैं, ठीक हो गया। ये मैंने एक दे दिया, यहाँ पर मैं दूसरा दे देता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को डाल देते हैं, यहाँ से ये आंसर हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, हम इस आंसर को डाल देते हैं, ये सेकेंड हो गया, ठीक है। उसके बाद हम एक थर्ड क्वेश्चन भी ले लेते हैं, क्योंकि हमें 2-4 की ज़रूरत होगी, हम यहाँ पर लास्ट में ये रख देते हैं व्हाट आर, ठीक है। आप अपने कोई से भी जो जो आपको लगे कि आपकी वेबसाइट पे कोई पर्सन, अगर आप ये देखें हमने न्यू सेक्शन क्रिएट करना है, ऐड न्यू पे करेंगे तो हमारे पास एक और खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपने क्वेश्चन लिख देना है और यहाँ पर आपने आंसर लिख देना है। मैं सैंपल के तौर पर आपको जस्ट 2-3 लिख के दिखा देता हूँ, फिर नेक्स्ट आपने कर लेना है। यहाँ पर आने के बाद आपने क्या करना है, हमने लैपटॉप का हमें ये अकॉर्डिंग टू, आपने यहाँ पर से इसको क्या कर देना है, नो, ठीक है, इसको भी यहाँ से आपने नो कर देना है और इसको भी आपने यहाँ से नो कर देना है। जब ये नो हो जाएगा तो ये 3 सेक्शन आपके क्रिएट हो गए हैं। क्रिएट होने के बाद आपने राइट साइड में देख लेना, राइट साइड में अकॉर्डिंग सेटिंग है, अगर आप इसको नो करेंगे तो आपका टाइटल शो होगा, मतलब क्वेश्चन शो होगा, नीचे आंसर नहीं शो होगा। तो यहाँ से आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको अपनी मर्जी के मुताबिक जो जो आपको नीड हो, यहाँ से आप अपनी सेटिंग को ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये देखें वो आपको बता भी रहा है। तो आपने नीचे आ जाना, नीचे आने के बाद यहाँ पर बता रहा है कि फर्स्ट अकॉर्डिंग ओपन, के जब आप ओपन करेंगे तो आपका पहला सेक्शन क्या होगा, ऑन होगा। जब आप इसको हाइड करेंगे तो आपके पास हाइड होंगे, जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तब आपके पास वो फेक सेक्शन ऑन होगा, ठीक है। यहाँ पर वो बता रहा है कि आपके साथ आपके सामने क्या चीज़ शो हो जाएगी, उसके बाद ये कलर्स कैसे शो होंगे, आप कोई भी अपनी मर्जी का कलर रख सकते हो, टाइटल का, फॉन्ट का, साइज़ क्या हो, डिस्क्रिप्शन, ये सारी इसमें चेंजिंग है। और यहाँ पर वो आपको बता रहा है कि आपके पास जो आइकॉन होंगे वो किस तरह के शो होंगे, प्लस माइनस या इस तरह के, जो मर्जी आप आइकॉन रखना चाहें वो रख सकते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पर आने के बाद क्या चीज़ शो हो जाएगी, यहाँ पर ये आपका क्रिएट हो गया। क्रिएट होने के बाद आपने इसको अपने वेबसाइट में कैसे शो करवाना है, तो ये आपने, ये आपके पास कोड है, ये जनरेट हो चुका है, इसको आपने कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के बाद आपने अपने पेजेस पे आ जाना है, ठीक है, ये हम अपने पेजेस पे आ गए। वो कह रहा है कि यहाँ पर आने के बाद हम क्या करेंगे, इसको पब्लिश कर देंगे, ठीक है, ये पब्लिश हो गया। पब्लिश होने के बाद हमने क्या करना है, अपना ये कोड कॉपी कर लेना है। ये कोड कॉपी किया, कोड कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पर चला जाना अपने पेजेस में। पेजेस में आने के बाद ये हमने FAQ का एक पेज बनाया, इसको हम करेंगे एडिट। एडिट करने के बाद हमने वो जो कोड कॉपी किया है, ठीक है, ये वेबसाइट थोड़ी सी लेट क्यों खुल रही है, क्योंकि ये इसको हमने अब ऑनलाइन कर दिया, ठीक है। आपने
ऑनलाइन कर लेना, अगर आपको ना मिले तो आप देख सकते हैं वीडियो। यहाँ पर आने के बाद हमने इस कोड को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद इसको हमने क्या कर देना है, अपडेट। जैसे ही अपडेट होगा हम अपनी वेबसाइट में जाएंगे, वेबसाइट में जाके हम अपनी वेबसाइट को करेंगे रिफ्रेश। रिफ्रेश में जाने के बाद हम FAQ सेक्शन में जाएंगे, तो यहाँ पर देखें ये FAQ सेक्शन आ गया आप लोगों के पास। प्लस को क्लिक करेंगे ये क्वेश्चन आ गया, माइनस को करेंगे ख़त्म, ये प्लस को करेंगे ये आ जाएगा, प्लस को करेंगे यहाँ पर आ जाएगा, माइनस को करेंगे यहाँ पर आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये आपको FAQ की अच्छे तरीके से समझ आ गई। अगर आपको FAQ की ना समझ लगे तो वीडियो को पीछे आप आसानी से करके देख सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो इससे अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आता रहूँगा।